चार पॉइंट दे रहा हूं, चार पॉइंट नोट कर लें कि आप एनजीओ चलाने के लायक हैं या नहीं हैं। अगर ये चार चीजें आपके पास नहीं हैं तो आप एनजीओ रन नहीं कर सकते हैं। भाई साहब ध्यान से सुने, फिर से चार चीजें हैं। नंबर वन पे है सॉल्व ए प्रॉब्लम, आपके पास कोई एक समस्या होनी चाहिए जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, जैसे अशिक्षा है, गरीबी है, बहुत सारी हैं प्रॉब्लम्स, है ना, जमीन की कोई प्रॉब्लम है, बंजर जमीन है। नंबर वन पे क्या है, सॉल्व ए प्रॉब्लम, इंप्रूव कंडीशन, लोगों की जिंदगियों में सुधार ला रहे हैं आप, इंप्रूव कंडीशन, लोगों के जीवन में सुधार कर रहे हैं आप, फर्क डाल रहे हैं आप, किसी की जिंदगी बदल रहे हैं आप। हम लोग फर्क तो डालते हैं, बर्बाद कर देते हैं लोगों को, लेकिन अगर जिंदगी में आप, अगर मतलब दूसरों की जिंदगी में फर्क डाल रहे हैं तो भाई बहुत बड़ी चीज है ये कि आप दूसरों की जिंदगी में फर्क डाल रहे हैं। प्रोवाइड्स पॉजिटिव कैश फ्लो, और आपके पास अर्निंग आ रही है, इनकम कैश फ्लो, तीन पॉइंट हुए, और स्केलेबल, और आप स्केल कर रहे हैं, तो समझ लो आपके पास सही एनजीओ है। और अगर ये चारों चीजों में से एक भी चीज नहीं हो पा रही है तो नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब आप गलत हैं, आप गलत धंधे में। फिर से समझेंगे, नंबर वन पे है सॉल्व ए प्रॉब्लम, आप एक समस्या का समाधान कर रहे हैं किसी का, लोगों की जिंदगियों में सुधार कर रहे हैं, इंप्रूव कंडीशंस, प्रोवाइड्स पॉजिटिव कैश फ्लो, आप कैश फ्लो प्रोवाइड करते हैं। अगर नहीं करते तो रियल एस्टेट वाला हमारा बिजनेस है, उसमें आप आ सकते हैं, उसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे आप कैश फ्लो जनरेट करेंगे। और स्केल, स्केल करना मतलब बढ़ोतरी करना, तरक्की करना, ग्रो करना, आगे बढ़ना। अभी एक ब्रांच है, 20 ब्रांच कर दी, 30 ब्रांच हो गई, 50 ब्रांच हो गई। मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी, आई हैव डन मेनी मिस्टेक्स इन माई लाइफ। सबसे पहली सोच ये थी कि मैं बहुत छोटा सोचता था, मेरी थिंक, मेरी सोच बहुत छोटी थी, स्मॉल थिंकिंग थी मेरी। थिंक बिग डू मोर, आपको बड़ा सोचना होता है और ज्यादा करना हो। मैं 29 साल तक की उम्र में बहुत छोटा सोचता था, बहुत लिमिटेड, बस यार इतना हो जाए, बस इतना हो जाए, बस यार इतना ही मिल जाए, बस यार ये हो जाए, बस 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 बस, वह खुद ही बैरियर लगाता रहता था अपने काम में। लेकिन जैसे ही मेरी उम्र हुई 32, 33, 34, 35, धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। लेकिन 29 साल की उम्र तक मेरी सोच बहुत छोटी थी, मैं बड़ा मतलब सोच भी नहीं सकता था, मैं बात भी नहीं करता था, सोच की तो बात छोड़ दो, मैं मतलब बोलता तक नहीं था, बात भी नहीं। कोई अगर बड़ा बोलता भी था तो मैं कहता क्या यार, जीना कितने दिन है, ये वो। तो थिंक बिग फ्रॉम द बिगिनिंग, नोट कर लें, लिख लें, थिंक बिग फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो अपनी सोच बदलो, सोच बदलेगी तभी तो देश बदलेगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थिंक बिग डू मोर, नोट कर लें, इसको लिख लें, थिंक बिग फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही बड़ा सोचें। बड़े सोचने में कुछ भी नहीं लगता, शुरुआत से ही बड़ा सोचें। 12 कमांडमेंट्स दे रहा हूं मैं अपने बिजनेस के, 12 कमांडमेंट्स हैं ऑफ माय बिजनेस के। नंबर वन पे गो टू मार्केट डायरेक्टली, खुद जाएं, खुद से बैठे बैठे प्लानिंग ना करें, बैठे बैठे ऑर्गेनाइज ना करें, जो भी है, जिस भी ऑफिस में, जिस भी विभाग में जाना है, खुद जाएं, डायरेक्ट जाके बात करें, सामने से बात करें, हाथ मिलाएं, बोले साहब बहुत दिनों से मिलने की तमन्ना थी, बहुत दिनों से मिलना चाह रहे थे, मिल नहीं पाए, डरना खत्म करें, डायरेक्ट जाके बात करें, खुद मिलें, अधिकारी हो, कोई हो, बॉस हो, कुछ भी हो, जाएं डायरेक्ट सामने से हाथ मिलाएं और बोल दें, सर मिलना है, मीटिंग करना है, बोलो कैसे ये काम करना है, होना है, कैसे होगा, बोलो, उनसे पूछो। नंबर सेकंड है प्रमोट लाइक ए मैनियक, प्रमोट जरूर करें, प्रमोट 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 मतलब प्रमोशन, लोगों को बताएं अपने बारे में, अपनी संस्था के बारे में, अपने बारे में, अपनी संस्था के बारे में, अपनी संस्था के कार्यों के बारे में, खुद बताएं, बैठे ना रहें, और बार बार बताएं, जितना प्रचार प्रसार करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। मैंने पूछा है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग अवेलेबल हैं अपनी संस्था के नाम से, कितने लोग हैं वो यस लिख दें कमेंट में, अपनी संस्था के नाम से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, यस लिखें कमेंट में, लिखें यस, जो हैं सारे सोशल मीडिया, ट्विटर है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, गूगल है, पेज है, वेबसाइट है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है,
दिखेगा तभी बिकेगा, दिखना बंद बिकना बंद। शो अप, सक्सेस का पहला रूल है शो अप अर्ली स्टे लेट। जल्दी दिखना है, देर तक टिके रहना है, दिखते रहना है मार्केट में, दिखना बंद गए। नंबर तीन पे आएगा सेल्स, सेल्स सीखना है कि कैसे बोलना है, हाउ टू कम्युनिकेट। सेलिंग का मतलब होता है हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू पब्लिक स्पीक, कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन। अगर इंग्लिश वीक है तो भाई इंग्लिश भी थोड़ा सा अच्छी कर लें, क्योंकि जरूरी है। डू इट बिफोर यू डेलीगेट इट, काम दूसरों को देना आना चाहिए। आप दूसरों से काम करवा लेते हैं कि नहीं, डेलीगेट करना आता है या नहीं वो सीखना होगा, नहीं तो एनजीओ नहीं चला पाएंगे। संस्था सारे काम खुद ही दौड़ दौड़ के करते हैं तो फिर हो गया काम, सारे काम खुद ही कर लो। ब्रांड बिफोर यू एडवर्टाइजमेंट, अपने संस्था को ब्रांड बना लें। अगर अपनी संस्था को ब्रांड नहीं बनाया है तो दिक्कत है, ब्रांड बनाना है। उसके लिए मिले मुझसे, आ रहा हूँ बहुत जल्दी आप लोग के हर एक शहर में आने वाला हूँ। प्रोग्राम सेमिनार्स रहते हैं मेरे, तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। जहां कहीं पे भी जब भी आऊं आपके शहर में, कैश फ्लो, कैश फ्लो के बारे पे ध्यान जरूर दें। क्रिएट मल्टीपल पैरेलल फ्लोज, क्रिएट मल्टीपल, आपके पास मल्टीपल फ्लोज होने चाहिए। पैसे को बर्बाद नहीं करना है, स्टे ब्रोक, आपको दिखावा नहीं करना है, पैसा आया फूंकना शुरू। स्टे हंग्री, हंग्री रहना है, भूखे रहना है, भूखे मतलब पैसे की भूख, बिजनेस की भूख, काम की भूख, भूख नहीं तो बेकार सब। यानी डिजायर होना, एक होती है विल और एक होती है डिजायर, एक होती है इच्छा, एक होती है विल और एक होती है डिजायर, दोनों में अंतर होता है। एक होती है इच्छा, इच्छा सबको होती है, ख्वाहिश, और एक होता है जो करता है उसके लिए कुछ। बीट अप न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी है उसका यूज करना सीखें, उसको यूज करें। 11 नंबर है एक्सपेंड व्हाइल अदर्स रन अवे, अपने आप को एक्सपेंड करें, नेवर कॉन्ट्रैक्ट। अपने आप को सिकोड़ना नहीं है, एक्सपेंड करना है, बड़े बड़े बनना है, जितने बड़े बन सकते हैं आप, जितना ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, जितना ज्यादा ग्रो कर सकते हैं आप, उतना ज्यादा ग्रो करें अपने आप को, जितना ज्यादा फैल सकते हैं। कैसे फैलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने अपने संस्था में ऐड करें, मेंबरशिप कैंपेन चलाएं, अभियान, कौन सा, सदस्यता अभियान, जागरूकता अभियान, सदस्यता अभियान चला के जोड़ें, टीम बनाएं। कितनी टीम होना चाहिए, 100 लोगों की टीम होना चाहिए, हर्षद मेहता बन जाइए, 100 लोगों की टीम बनाइए जो अपना 100% दे सकते हैं, टीम जबरदस्त बन जाएगी। टीम बनाना नहीं आता है तो मुझसे सीख लें, मैं टीम बनाना पे मेरा एक प्रोग्राम है कि हाउ टू बिल्ड योर टीम, जबरदस्त टीम कैसे बनाएं जो आपकी बात के लिए दीवार से फांद जाएं, छत से कूद जाएं, दीवार में टक्कर मार दें, आप बोल दें बस वो हो जाए। तो वो प्रोग्राम देने के लिए संपर्क कर लें मुझसे अगर लेना है। फायर टू ग्रो, 12 नंबर है फायर टू ग्रो। तरक्की करना चाहते हो तो अपनी लाइफ से, अपनी संस्था में से उन मक्कार लोगों को निकालें जो संस्था को ग्रो नहीं होने दे रहे हैं। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, फायर समवन। अगर आप सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो एक कोई वो ऐसा इंसान हो, क्योंकि निकालना जरूरी है जिसकी वजह से आप रुके हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, स्टेइंग पुअर इज सेल्फिश, सेल्फिश होना अच्छी बात है लेकिन गरीब होना अच्छी बात नहीं है। संस्था को भी गरीब ना रखें, गरीबी वाली सोच से बाहर आए। गरीब सिर्फ पैसों से नहीं होता, गरीब सोच से होता है, सोच बड़ी रखें।